तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर आप एक जियो का न्यू रिटेलर हो फ्रेंड्स, या फिर आप एक जियो का ऑल्ड रिटेलर हो, तो आप दोनों ही के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप अपना कमीशन को चेक कर सकते हैं। आप जो न्यू सिम एक्टिवेट करते हो उसका कमीशन आप कैसे चेक कर सकते हैं जियो पोस्ट प्लस ऐप के माध्यम से, वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। बट फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं और इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीकॉम से जुड़ी देखना पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, जो बगल में नोटिफिकेशन बेल होता है, आप उसे ऑल पे प्रेस कर दे, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को देख के लाभ ले पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे आपको सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताने के लिए हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन को ओपन करना है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए। जैसे ही फ्रेंड्स आप ओपन कर लेते हो, तो आपको ऊपर में थ्री लाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप टैप करते हो, तो आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, जियो अदर सेल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर टैप करते हो, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसा कि यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आता है, आपको परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पे टैप कर देना है। आप जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर टैप करते हो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पे, तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल कर आता है। आपको लेजर पे चले जाना है और लेजर वाले ऑप्शन को टैप कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल कर आता है। जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई का आप डिटेल निकाल सकते हो यहाँ पे। तो आपको ऑल पे आ जाना है यहाँ पे नीचे और ऑल पे टैप कर देना है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको आ जाता है कमीशन क्रेडिट का, तो आपको कमीशन क्रेडिट का ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे टैप करते हो, तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जितना भी कमीशन हमारा आया हुआ है, क्रेडिट किया गया है, वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसा कि हमने जितना भी एक्टिवेशन किया है या फिर हमारा जो है प्रीलोड का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से हमारा जो है लापू सिम पे जो आया है, जो हमारा जियो पोस्ट प्लस पे हमारा जो है रिचार्ज प्रीलोड किया गया है, उसका भी यहाँ पे कमीशन आपको शो हो रहा है। और जो भी आपने एक्टिवेशन किया है या फिर एमएनपी किया है या फिर आपने फ्रेंड्स कोई भी जैसे कि एक्टिवेट किया है किसी भी प्रकार का सिम कार्ड को, यानी कि आपने जियो फोन को सेल किया है, वो सारा यहाँ फ्रेंड्स आपका सारा कमीशन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स अपना जो है जियो पोस्ट प्लस के जरिए आप अपना कमीशन को इस तरह से आप चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।